अस्सलाम वालेकुम, मैं नमन मुआन, आप देख रहे हैं टेकोस। तो भाई फाइनली टाइम आ चुका हुआ है सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 3 को रिव्यू करने का, या फिर आप कह सकते हो कि मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने का। क्योंकि ये वाला जो स्मार्टफोन है ना, ये आप लोगों को दो डिफरेंट टाइप की वाइब्स को प्रोवाइड करता है। एक तो क्योंकि ये एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन है, और दूसरा ये फोल्ड होता है। तो जो फोल्डिंग वाला पार्ट है ना, ये मुझे लगता है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने ज़्यादा इंजॉय किया एज़ कम्पेयर टू एक नॉर्मल स्मार्टफोन। अब एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि स्मार्टफोन के रिव्यू के भी दो पार्ट्स हैं। एक तो वो सीधी सीधी स्पेसिफिकेशंस हैं जो कि हमें स्मार्टफोन के अंदर मिल रही हैं, जो कि फ्लैगशिप स्पेसिफिकेशंस हैं, उसको आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा कि वो किस तरह परफॉर्म करती हैं। प्लस इसका जो फोल्डिंग पार्ट है ना, वो आप लोगों के साथ सबसे पहले मैं शेयर करना चाहूँगा कि भाई मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है। अब इस स्मार्टफोन को मैंने जब अनबॉक्स किया, मैं मॉल के अंदर गया, वहाँ पर मैंने इंस्टाग्राम के लिए कुछ पिक्चर्स लेनी थी। अब ये वाली जो आप लोग पिक्चर्स देख सकते हो ना, इनको जब मैंने क्लिक किया तो मुझे हार्डली 2 से 3 मिनट लगे होंगे, और उन 2 से 3 मिनट के अंदर मेरे पास तकरीबन 10 लोग आए इस स्मार्टफोन को चेक करने के लिए। तो भाई ये वाला जो स्मार्टफोन है ना, ये एक वाव फैक्टर के साथ आता है। ये आपको एक यूनिक टाइप की जो वाइब है ना, वो प्रोवाइड करता है। आप लोगों को मैंने अनबॉक्सिंग वाली वीडियो के अंदर भी कहा था कि इस स्मार्टफोन की जो वाइब है ना, उसको फील करने के लिए आप लोग सैमसंग के किसी भी स्टोर को विजिट कर सकते हो। क्योंकि इसका ये जो पूरा मैकेनिज्म है फोल्डिंग और अनफोल्डिंग का, डिस्प्ले को देखना कि ये किस तरह मतलब के फोल्ड हो रहा है। मैं अपने कजन्स की बात बताऊँ तो भाई वो यही देख रहे थे कि भाई ये डिस्प्ले को फोल्ड कैसे किया है। उनको लग रहा था पता नहीं कोई नकली फ़ोन है। तो ये चीज़ वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। इस स्मार्टफोन की जो वाइब्स हैं भाई, वो बहुत ही हाई लेवल की ही है। तो भाई ये वाली जो फीलिंग है ना स्मार्टफोन को एज अ डेली ड्राइवर यूज करने की, ये डेफिनेटली पैसे पूरे करती ही है। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं स्मार्टफोन के अंदर सबसे बड़ी इंप्रूवमेंट्स की, जो कि हैं इसकी ड्यूरेबिलिटी को लेके। अब ये वाला जो स्मार्टफोन था, ये मैंने एज अ डेली ड्राइवर अपना यूज किया, और मोस्टली जो मेरे स्मार्टफोन होते हैं वो मेरे बैग के अंदर ही होते हैं, और बैग के अंदर काफी ज्यादा और चीजें भी होती हैं। तो इस स्मार्टफोन की ड्यूरेबिलिटी ने मुझे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया। अभी भी आप लोग अगर देखोगे तो इसकी जो कंडीशन है भाई 10x10 नहीं है, किसी किस्म का इसके ऊपर कोई भी स्क्रैच मौजूद नहीं है। इसका जो डिस्प्ले है वो ऐसे ही मतलब के पड़ा हुआ था, मैंने इसके ऊपर केस भी नहीं लगाया था, इवन के सैमसंग ने मुझे ई वाउचर के थ्रू केस भी दिया था। ड्यूरेबिलिटी के मामले के अंदर इसने डेफिनेटली अपनी जो पोजीशन है उसको होल्ड किया है, क्योंकि बैक साइड के ऊपर हमें गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है, और इसकी जो फ्रंट स्क्रीन है ये भी 80% ज्यादा इंप्रूव की गई है एज कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशन। और प्लस इस स्मार्टफोन के अंदर हमें IPX8 की रेटिंग भी मिलती है, जिसको मैंने पर्सनली तौर पर टेस्ट तो नहीं किया, लेकिन वो रेटिंग वहां पर डेफिनेटली मौजूद है। और इसकी जो ओवरऑल बिल्ड है, इसका जो फ्रेम है वो भी आर्मर्ड एल्युमिनियम का, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ड्यूरेबिलिटी के मामले के अंदर सैमसंग ने भाई सारे के सारे पॉइंट्स को ही गेन किया है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं स्मार्टफोन के अंदर, जो चीज ने सबसे ज्यादा मुझे एक्साइट किया वह इसकी बैक साइड के ऊपर कवर स्क्रीन और कैमरा का सेटअप। अब इन दोनों चीजों को मैं एक साथ ही डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहले हम लोग बैक वाले कैमरास की बात कर लेते हैं। बैक साइड के ऊपर हमें डबल कैमरा का सेटअप मिलता है, 12 मेगापिक्सल का मेन वाइड सेंसर और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर प्रोवाइड किया गया है। अब पर्सनली तौर पर इस स्मार्टफोन को मैं अगर देखूँ ना यूजबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैंने फ्रंट वाले सेल्फी कैमरे को अंदर वाले को यूज़ नहीं किया। मैंने जितनी भी पिक्चर्स को क्लिक किया वो बैक वाले कैमरे के साथ ही क्लिक किया है, साथ में कवर स्क्रीन को यूज़ करके, क्योंकि आपकी जो कवर स्क्रीन होती है उसको आप लोग प्रीव्यू के तौर पर देख सकते हो। और जो पिक्चर्स निकल के आती हैं आप लोगों के साथ, यहाँ पर मैं सैम्पल्स को शेयर कर रहा हूँ, भाई फ्लैगशिप लेवल की पिक्चर्स हैं इसके अंदर, तो किसी किस्म का कोई भी डाउट नहीं है। और जो अल्ट्रावाइड सेंसर है उसकी भी क्वालिटी आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। और आप लोग अगर इसके साथ व्लॉगिंग भी करना चाहते हो तो डेफिनेटली कर सकते हो। 4K के अंदर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन को यूज़ करके आप लोग ने सिंपली इसको होल्ड करना है, तो जो वीडियो की क्वालिटी होती है बैक साइड के ऊपर वो भी टोटली तौर पर फ्लैगशिप लेवल की ही होती है। इसके अलावा एक चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा ये भी इंटरेस्टिंग लगी कि आप लोगों ने अगर फ़ोन को फोल्ड किया हुआ ऐसे और आप लोग कैमरा को एक्टिवेट करना चाहते हो, तो आप लोगों ने पावर बटन को 2 दफ़ा प्रेस करना है, तो आपके जो बैक वाले मेन कैमराज है ये एक्टिवेट हो जाएंगे। और अगर आप लोग कैमरा के अंदर मोड्स को स्विच करना चाहते हो, तो आप लोग ने सिंपली जो लेफ्ट और राइट है उसको स्वाइप करना, तो आप लोग वीडियो और फोटो के दरमियान में स्विच कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप लोग कैमरास के दरमियान में स्विच करना चाहते हो वाइड और अल्ट्रा वाइड के दरमियान में, तो आप लोगों ने टॉप और डाउन स्वाइप करना है, तो आप लोग दोनों कैमरास के दरमियान में स्विच कर सकते हो। और इसकी कवर स्क्रीन का यूज यहां पर कैमरा तक ही लिमिटेड नहीं है, आप लोगों को और भी काफी ज्यादा फीचर्स मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब आप लोग टॉप से डाउन स्वाइप करते हो तो यहां पर ब्राइटनेस को कंट्रोल किया जा सकता है, वॉल्यूम को और वाइब्रेशन को ऑन किया जा सकता है। लेफ्ट साइड के ऊपर स्वाइप करने से जितने भी नोटिफिकेशन है आप लोग उनको
को रीड कर सकते हो। और इसके अलावा जब आप लोग राइट साइड के ऊपर स्वाइप करते हो तो यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं, आप लोग अपने जो विजट्स हैं उनको सेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप लोग डिफरेंट टाइप के जो क्लॉक्स हैं उनको सेट कर सकते हो, अलार्म वगैरह का लगा सकते हो, वेदर की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल सकती है। आप लोग अपनी मर्जी के अकॉर्डिंगली कोई भी जो विजट है यहाँ पर अगर सेट करना चाहते हो तो वो डेफिनेटली कर सकते हो। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं मेन डिस्प्ले की, तो हमें प्रोवाइड किया गया 6.7 इंचेस का सुपर एमोलेड डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ, और जितनी भी आप लोगों को स्पोर्ट वगैरह HDR 10 प्लस की वो इसके अंदर देखने को मिल जाती है। क्योंकि ये सैमसंग का फोन है, एक फ्लैगशिप फोन है, सैमसंग डिस्प्ले की कैटेगरी के अंदर टॉप के ऊपर है, तो यहाँ पर जो एक्सपीरियंस निकल के आता है भाई उसके अंदर भी किसी किस्म का कोई भी डाउट नहीं है। एक फुल फ्लैगशिप टाइप का ही एक्सपीरियंस मुझे प्रोवाइड किया है स्मार्टफोन के मेन डिस्प्ले, चाहे हम लोग कंटेंट की कंजम्पशन की बात करते हैं, चाहे हम लोग सोशल मीडिया के यूज की बात करते हैं, चाहे हम लोग इसकी स्मूथनेस की बात करते हैं, तो वहां पर आप लोगों को फ्लैगशिप टाइप का ही एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। और जहां तक बात है इसके व्यूइंग एंगल्स की या फिर आउटडोर ब्राइटनेस की, तो वहां पर भी किसी किस्म का कोई भी इशू नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट हमें परफॉर्मेंस देखने को मिल रही होती है। इसके अलावा मेन डिस्प्ले के अंदर फ्रंट के ऊपर में प्रोवाइड किया गया 10 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। आप लोगों के साथ यहाँ पर मैं सैंपल्स को शेयर कर रहा हूँ, जो क्वालिटी होती है वो काफी ज्यादा डिसेंट होती है, कलर्स की रिप्रोडक्शन, डायनेमिक रेंज, और पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो एज डिटेक्शन होती है वो भी काफी ज्यादा डिसेंटली होती है। तो जो फ्रंट वाला कैमरा है उसको भी आप लोग कहीं पर यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि भाई मैं तो बैक वाला कैमरा ही यूज़ कर रहा हूँ हर जगह के ऊपर। और फ्रंट वाले कैमरे के अंदर आप लोगों को 4K वीडियो को रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिल जाता है, वीडियो की जो क्वालिटी होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग निकल के आती है। अगर हम लोग बात करते हैं स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस की, अब क्योंकि पता है कि ये वाला जो स्मार्टफोन है ये स्नैपड्रैगन ट्रिपलेट के प्रोसेसर के साथ आया, जो कि एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है, एक्सिनोस के प्रोसेसर के साथ ये नहीं आया, तो मैंने इसके ऊपर जो डे टू डे यूज़ के टास्क थे उनको मतलब यूज़ किया। इसके अलावा मैंने इसके ऊपर गेमिंग भी की। अब क्योंकि ये वाला प्रोसेसर सबसे एडवांस है, इसके ऊपर तो अभी तक कोई प्रोसेसर आया नहीं है, स्नैपड्रैगन 888 चल रहा है, तो भाई जो परफॉर्मेंस थी उसके अंदर किसी किस्म का कोई भी इशू नहीं था। चाहे पबजी की बात करते हैं तो भाई इसके ऊपर मैंने पबजी को यार काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया, क्योंकि ये वाला जो स्मार्टफोन है ये थोड़ा सा स्लिम है, इसकी जो ग्रिप बनती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनती है। तो भाई अगर आप लोगों ने इसके ऊपर गेमिंग वगैरह करनी है या फिर आप लोगों ने कोई भी काम करना है, अब यहाँ पर मुझे मतलब इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ्लैगशिप फोन है, फ्लैगशिप प्रोसेसर है, तो आपको परफॉर्मेंस जो मिलती है वो एक फ्लैगशिप लेवल की ही देखने को मिल जाती है। अब एक चीज लाजमी तौर पर यहां पर मैं मेंशन करना चाहूंगा, जो कि स्मार्टफोन का एक यूनिक पॉइंट है, जो कि है इसका फ्लेक्स मोड। इसको मैंने काफी ज्यादा इंजॉय किया। आजकल आप लोगों को पता है कि जो सिचुएशन आउटडोर की इतनी ज्यादा कोई खास अच्छी चल नहीं रही, मोस्टली जो फ्रेंड से बात होती है वो वीडियो कॉल्स वगैरह के ऊपर ही होती है, तो भाई इस तरह रख के आप लोग घंटा घंटा लगे रहो, आप लोगों को कोई स्टैंड लेने की जरूरत नहीं, आप लोग वीडियो कॉल्स वगैरह कर सकते हो, या फिर आप लोगों ने पिक्चर्स को लेना, आप लोग किसी भी जगह के ऊपर फोन को रख के आप लोग पिक्चर्स को क्लिक कर सकते हो, तो इसका जो फ्लेक्स मोड है ये काफी ज्यादा यूजफुल है। या फिर आप लोग यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियो देख रहे हो, नीचे आप लोगों ने कमेंट्स वगैरह को रीड करना है, तो वहां पर जो आपका फ्लेक्स मोड होता है आप लोगों को काफी एक यूनिक टाइप का एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है, उसको भी मैंने पर्सनली तौर पर काफी ज्यादा इंजॉय किया। अगर हम लोग बात कर लेते हैं सिक्योरिटी और प्राइवेसी की, तो साइड माउंट फिंगरप्रिंट स्कैनर है, जिसकी जो परफॉर्मेंस है वो काफी ज्यादा तेज है। आप लोगों को फ्रंट के ऊपर फेस अनलॉक ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, वो भी काफी ज्यादा अच्छी तरह परफॉर्म करता है, वहां पर भी किसी किस्म का कोई भी इशू मौजूद नहीं है। इसके अलावा इस स्मार्टफोन के अंदर में स्टीरियो स्पीकर्स प्रोवाइड किए गए हैं, उनकी भी जो क्वालिटी है वो काफी ज्यादा अमेजिंग है, काफी क्लैरिटी के साथ साउंड आती है, थोड़ी बहुत बेस भी फील आप कर सकते हो। ओवरऑल अगर आप लोग लाउड स्पीकर के ऊपर कंटेंट वगैरह को कंज्यूम करना चाहते हो तो आप लोगों को किसी किस्म का कोई भी मसला देखने को नहीं मिलेगा। बात कर लीजिए इस स्मार्टफोन की बैटरी की, तो इसके अंदर में प्रोवाइड की गई है 3300mAh की बैटरी, साथ में 25W की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट देखने को मिल जाती है। अब इसकी जो बैटरी है ना उसकी जो टाइमिंग है वो मुझे बिल्कुल नॉर्मल लगी, मतलब कि अब ये चीज़ डिपेंड करती है कि आप लोग स्मार्टफोन को किस तरह यूज़ करते हो, मतलब कि आपका यूज़ किस किस्म का है। आप अगर उसको मतलब ज़्यादा परफॉर्मेंस बेस्ड यूज़ करते हो, गेमिंग करते हो, तो डेफिनेटली आपकी जो बैटरी होती है वो जल्दी डिग्रेड होती है। 33000mAh के अकॉर्डिंगली इस स्मार्टफोन की जो बैटरी की परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, आप लोगों को डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं करती। और अगर आप लोग इसको फास्ट चार्ज वगैरह करना चाहते हो तो आप लोग डेफिनेटली कर सकते हो। अब मुझे पता है कि स्मार्टफोन के रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, जैसे कि इसका जो फ्लैक्स मोड है, जब आप लोग इसको ओपन करते हो या मतलब क्लोज करते हो तो किस किस्म की वाइब आती है, इसकी जो कवर स्क्रीन है आप लोग उसको जब यूज़ करोगे तो आप लोगों को क्या डिफरेंट चीज़ें नज़र आएंगी एज़ कम्पेयर टू एक जो हमारा नॉर्मल फ्लैगशिप फ़ोन होता है। वो सारी चीज़ें अगर आप लोग एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो आप लोग सैमसंग के किसी भी स्टोर के ऊपर जाकर इस स्मार्टफोन को या फिर फोल्ड 3 को एक्सपीरियंस कर सकते हो, वो जो चीज़ें आप लोगों को एक्सपीरियंस के साथ ही पता चलेंगी। ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ ना कि एज़ कम्पेयर टू अगर एक नॉर्मल फ्लैगशिप फ़ोन इस स्मार्टफोन को रिकमेंड किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता, तो भाई पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस स्मार्टफोन को मैं रिकमेंड
रिकमेंड कर सकता हूँ। अगर आप लोग इसको एक्सपीरियंस कर लेते हो तो मुझे लगता है कि मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों को इस स्मार्टफोन के साथ डेफिनेटली प्यार हो जाएगा, क्योंकि भाई मैंने जितने लोगों के साथ ये स्मार्टफोन शेयर किया, मतलब कि जितने लोगों ने स्मार्टफोन को चेक किया, उन लोगों को इस स्मार्टफोन ने सरप्राइज और अमेज ही किया है। तो आप लोग डेफिनेटली इसको मतलब एक चांस दे सकते हो, इसको चेकआउट कर सकते हो। तो बस इस वीडियो को खत्म करते हैं। जाने से पहले आप लोग नीचे कमेंट्स के अंदर लाजमी तौर पर बताइएगा कि आप लोगों को ये वाला स्मार्टफोन कैसा लगा। आप लोगों का अगर किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो डेफिनेटली पूछ लीजिएगा, आप लोगों को मैं रिप्लाई लाजमी तौर पर करूंगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल के ऊपर नया सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।